सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे लाइव, उन्होंने राज्यवर्धन राठौर से कई सवाल दागे। इन सब के बीच वो कहते हुए खुश है इस बात से कि वोट डाल रहे हैं मजबूत सरकार, मजबूत प्रधानमंत्री के नेतृत्व का जिक्र करते हुए बार बार राज्यवर्धन राठौर को आपने सुना। लेकिन ये जो ग्रामीण जयपुर की सीट है, यहां पर दो ओलंपियंस का महामुकाबला बताया जा रहा है। सामने कृष्णा पुनिया है और जिस जातीय समीकरण की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद है इस सीट से कि वो मुकाबला इस बार दे पाएंगे राज्यवर्धन राठौर जैसे बिग वेट को, हैवी वेट को जिसे कहा जाता है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि गुज्जर, मीना और मुस्लिम मतदाता एक होकर कृष्णा पुनिया के लिए वोट के। पुनिया से हमारे सहयोगी ने बात की है, उनकी क्या सोच है सुनिए। जिस तरह से आपका नाम आया, उसके बाद आपको अचानक से यहाँ पता चला कृष्णा पुनिया आ गई हैं, वक्त मिला नहीं मिला, कितना मेहनत करना पड़ा? देखिए, एक महीने का समय हमें मिला और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस एक महीने के अंदर हमने पूरे टीम को संगठित होकर हमने काम किया, सबने अपने अपने संभाला। मैं सिर्फ अपने टूर पे रहती थी, सब लोगों से मिलना, और मैं कह सकती हूँ मैंने कल तक सारे के सारा आठों की आठों विधानसभा कंप्लीट कर चुकी हूँ। और कल जैसे मैं थी तो मेरे पास टाइम था सबको संभालते हुए, सबसे बातें करते हुए, जहाँ पर मुझे नए और लोगों से, जो मुझसे नए लोग जुड़ के मिलना चाह रहे हैं, उन सबसे मिली हूँ, तो काफ़ी अच्छा टाइम कम भी कह सकते हैं, लेकिन मैनेज किया हमने सबने, और ख़ास करके वोटर्स ने बड़ा सपोर्ट किया है। क्या दिखा आपको? लोग कह रहे हैं मोदी लहर है, लेकिन आप कह रहे हैं सारी सीटों पर गए, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? मुझे मोदी लहर तो नहीं लग रही है, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व जनता ने जरूर मोदी लहर थी, और जिस तरीके से वादे मोदी जी ने देश की जनता से किए थे, देश के लोगों को लुभावने वादे जो दिए थे, ना तो रोजगार पे काम हुआ, ना भ्रष्टाचार पे काम हुआ, ना महंगाई कम हुई, और ना रोजगार दिया गया, और ना काला धन वापस आया। कहीं स्किल इंडिया की बात थी, कहीं स्मार्ट सिटी की बात थी, इन सब बातों का इस बार 2019 के चुनाव में उन लोगों के जुबान पे कोई भी चर्चा